Hello, sir. Good morning, all of you. Now we start chemistry. पेज नंबर 43 देखो, सबसे पहले यहां इस पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं जो डार्क किया हुआ है। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। ये बात किसने बोला? फजांस ने, कि कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है आयनिक में कि जो 100% क्या हो, आयनिक हो। इट हैज सम कोवैलेंट करेक्टर, उसके पास कुछ कोवैलेंट करेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, और जब ओवरलैपिंग होगा तो उसमें कोवैलेंट करेक्टर आएगा, विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फजांस रूल। फजांस ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करेक्टर कैसे निकाला जाए। तो किस कैसे बताया था? मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। और मोर ओवरलैपिंग के लिए केटाइन और एनायन देखा था, केटाइन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज। केटाइन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। साइज कम होने के लिए केटाइन पे चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और एनायन के साइज ज्यादा होने के लिए एनायन पे चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज बड़ा होगा, और केटाइन पे जितना ज्यादा होगा उतना ही छोटा होगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? अपने तरफ खींचने के एबिलिटी, यानी केटाइन जो है उसके लिए हम पोलराइजिंग पावर देख रहे थे। जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसके लिए हम पोलराइजिंग पावर देखेंगे। तो पोलराइजिंग पावर का डिफिनेशन क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ केटाइन, यानी पोलराइजिंग पावर केटाइन के लिए डिफाइन होता है, टू पोलराइज्ड द नियर बाई एनायन। इसको ये अपने तरफ पोलराइज करता है, अट्रैक्ट करता है, ओवरलैप करवाता है, इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी। ठीक है, तो याद रखना पोलराइजिंग पावर डिफाइन फॉर केटाइन, और जितना स्मॉल होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होगा? इसके लिए डिफाइन होगा, एनायन के लिए। तो क्या है डिफिनेशन? द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड, यानी ये इधर पोलराइज होता चला जा रहा है, ये खींच रहा है और ये खींचा चला आ रहा है, ये खींच रहा है इधर से और ये खींचा चला आ रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड बाय द केटाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी, यानी पोलराइजेबिलिटी विल बी डिफाइन फॉर एनायन। नेक्स्ट है पोलराइजिंग रिलेटेड टू केटाइन। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन। इसका मतलब क्या हुआ? कि केटाइन शुड बी स्मॉल, तो वहां अपने अपने जो वॉल्यूम है वहां लिख लो केटाइन शुड बी स्मॉल, ये सब चीजें वहां लिख लिया करो, केटाइन शुड बी स्मॉल। और स्मॉल होने के लिए साइज क्या होना है? छोटा होना। ठीक है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना कम होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन। चार्ज ऑन केटाइन मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा? कम होगा। बात दोनों एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ ना। तो ये दो पॉइंट हमें क्लियर हुआ, तो कभी ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अब 43 के राइट साइड आ जाओ, ऊपर टॉप पे। पोलराइजेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनायन। अब एनायन, अब ये इधर से खींच रहा है और ये खींचा चला आ रहा है, तो हमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए क्या सोचना पड़ेगा? इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। ये एनायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी इसके लिए जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये सोचना है। और साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ये इधर क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलराइजिंग पावर इंक्रीजिंग कोवैलेंट करेक्टर। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। अब मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। ठीक है,
तो यही पॉइंट बोल रहा है कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कोवेलेंट करेक्टर। इस पॉइंट समझ में आ गया। अब हम एक पॉइंट को इसको हम क्वेश्चन के टर्म में वहीं पर अपने जहां पर वॉल्यूम है वहीं पर क्वेश्चन लिख लिया करो, इधर उधर भी नहीं लिखना, ताकि बाद में जब तुम रिवाइज करो तो उस चीज को समझ में आए। अब मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, दे दिया गया ये AlCl3, पहले NaCl है। क्वेश्चन ये है, नोट डाउन करो, या तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या तो क्या करो वही वॉल्यूम में जो है वही लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा कि किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है, तो हमें कोवेलेंट करेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें एनायन क्या है, कॉमन है, तो जो भी हमारा आंसर देगा वो क्या देगा, केटायन। तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहां एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अब ये हमने निकाल दिया, ये निकालने के बाद हम सोचेंगे कोवेलेंट करेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करें। तो हमारे दिमाग में फजान से उलाना चाहिए, क्या केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल जब होगा तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा, और मोर ओवरलैपिंग होगा तो मोर कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट होगा, ठीक है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब केटायन को छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा है। या ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये साइज है। तो मुझे बताओ इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, L+2, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, हाँ कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, AlCl3। बात खत्म हमारा, ये चीजें जो है वो आना चाहिए, नहीं कि भूल गए हम, तो याद ना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो यहां पर या तो लिख लो वहां पे, नहीं तो लिखो तो वॉल्यूम पे ही लिख लो। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AlF3, AlF3 है और AlCl3 है, AlBr3 है और AlI3 है। एक चीज देखे रहे हो क्वेश्चन में कि यहां पर एनायन कॉमन है और यहां पर केटायन कॉमन है, अल्मुनियम कॉमन है, तो यहां हम अल्मुनियम का कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा, यहां पे -1, क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा -1, ब्रोमीन पे चार्ज क्या होगा -1, आयोडीन पे चार्ज क्या होगा -1, होगा ना। अब इस क्वेश्चन में हमें कोवेलेंट जानकारी करना है, कोवेलेंट किसमें ज्यादा है, तो कोवेलेंट के लिए एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज, तो किसमें लार्ज है, आयोडीन। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा कि कोवेलेंट करेक्टर जो है इसमें ज्यादा होगा, कोवेलेंट इसमें ज्यादा हो जाएगा। और रटना नहीं है कि टॉप टू बॉटम क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है, सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। और हमेशा आपको एक चीज कॉमन दिया जाएगा, एक या तो केटायन दिया जाएगा या तो एनायन दिया जाएगा, तो इस केस में एनायन अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा और इसमें आयनिक ज्यादा होगा। अच्छा, कोवेलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक कम होगा, और कोवेलेंट कम है तो आयनिक ज्यादा होगा, उल्टा बोलना है, ठीक है। तो हमने यहां पर दो क्वेश्चन जो है वॉल्यूम में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो ये सब चीजें नीचे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलाइड, उस चीज हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजिंग ऑफ द एनायन देन दोज ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट पॉइंट का मीनिंग समझा रहा हूं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं आप लोग को एक पढ़ा के लाया था, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन याद है या भूल गए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने एक वर्ड बताया था
सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, लास्ट पेज में था वो, सबसे पेज नंबर 7 निकालो, पेज नंबर 7 ओपन करो सारे। 7 में लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर लिखा हुआ है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, लिखा हुआ है, याद है भूल गए? किसको बोलेंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन? जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, याद करना, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन होता है, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन बोलते हैं, और जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, अब अपने पेज नंबर वहीं पर रिटर्न हो जाओ जहां से हमने बोला था, पेज नंबर 43 पे आ जाओ। अब 43 में जो ये वाला स्टेटमेंट है उसका मीनिंग समझते हैं, क्या? केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन, केटायन, या इसको नोटबुक में लिख भी लो, केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन, केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल, राइट डाउन कर लो नोटबुक पे, ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजेशन। अच्छा, ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन देन दोज विथ इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। अब इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं और बता रहा हूं। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है CuCl और NaCl। अब ध्यान से सुनना, आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ गया कि CuCl में और NaCl में कोवैलेंट करेक्टर किसके पास है, कोवैलेंट करेक्टर हमें जानना है, कोवैलेंट करेक्टर हमें जानना है। अब इसका हमें लॉजिक क्या है, कैसे जानेंगे? तो यही वाला स्टेटमेंट हमें काम करेगा, ध्यान से सुनना कैसे काम करेगा। क्लोरीन क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, बच गया सोडियम और कॉपर प्लस, कॉपर प्लस और बच गया सोडियम प्लस। तो आपको याद होगा कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, एक्सेप्शन होता है ना। अब कॉपर प्लस का क्या होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s क्या होगा, 0, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया है, हो गया ना, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। अब मुझे बताओ ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ऑर्बिट नंबर 2 में कितने, 8, ऑर्बिट नंबर 3 में कितने, 18। तो आप जो कॉन्फिगरेशन 10th क्लास में सीखे हो वैसे मत निकाल देना कि 2, 8, 8 ऐसे, इसका कॉन्फिगरेशन होता है 2, 8 और 18। कॉपर प्लस का कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8 और 18। कॉपर प्लस का कॉन्फिगरेशन होगा, ऐसे मत निकाल देना 2, 8, 8 फिर बाकी, क्योंकि इसलिए आपको 20 तक ही सिखाया जाता है 10th क्लास में, 20 के आगे नहीं सिखाया जाता, वो गलती हो जाएगा ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, अब कॉपर प्लस जो है उसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज नोन एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो इनर्ट गैस का मतलब देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसा, क्यों? देखने में लग रहा है सब क्या है, भरा हुआ है, सब फुलफिल्ड है, सब कंप्लीट फील्ड है, बट एक्चुअल में नहीं है। अगर कंप्लीट फील्ड होता तो रिएक्शन क्यों करता है फिर? तो ये देखने में ऐसा लग रहा है,
अब हम सोडियम के बारे में अगर बात करें तो सोडियम के सोडियम प्लस इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज नोन एज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और दिस वन इज नोन एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसका इसका अब ये चीज जब हमें समझ में आया तो हम अब स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? तो हमें अब समझ में आ गया कि कॉपर जो है वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है और सोडियम इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कॉपर के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजिंग देन एनायन दोज विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। एक का इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है और एक का हमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। तो अभी अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि केटायन का रेडियस कहाँ है, साइज कहाँ कम है, तो उसके लिए हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट जाना हमने, टॉप टू बॉटम जाना हमने, या जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना हमने जाना। लेकिन कहीं अगर एक एस ब्लॉक आ गया और एक डी ब्लॉक आ गया तो वैसे केसेज में हम कैसे जानेंगे किसका साइज ज्यादा है? अब सोडियम प्लस में और कॉपर प्लस में अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो हम आसानी से नहीं मालूम करेंगे, हमें डिफिकल्टी होगा मालूम करने में। तो यहाँ क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सूडो इनर्ट गैस है उसका पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब है जिसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर पोलराइजिंग पावर है, मोर कोवेलेंट, तो हमें पोलराइजिंग पावर किसका मानना है? अगर आपके साथ सामने ऐसा केस आ जाए कि एक के पास सूडो इनर्ट और एक के पास इनर्ट, तो आपको ये बोलना है कि सूडो इनर्ट के पास पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। सूडो इनर्ट के पास पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। और उस केस में उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि मोर कोवेलेंट, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट, इसके पास कोवेलेंट ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके पास ज्यादा होगा, यानी कुल मिला के हम फाइनल लाइन ये बोले कि अगर एक एस ब्लॉक का एलिमेंट अल्कली या अल्कलाइन वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक डी ब्लॉक का एलिमेंट क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एस ब्लॉक वाला मोर आयनिक होगा एज कंपेयर टू डी ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक विल फॉर्म मोर आयनिक देन डी ब्लॉक, एस वाला ज्यादा आयनिक बनाएगा एज कंपेयर टू डी। तो इतना चीजें, ये चीजें मैं इसलिए बताया हूं ताकि ये समझ पाओ कि सूडो इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको राइट डाउन करो और इसमें लिखो ये वाला स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि ये सूडो इनर्ट गैस कैसे है, ठीक है, कि ये सूडो इनर्ट गैस कैसे है। ये इनर्ट गैस है, सूडो इनर्ट गैस में और इनर्ट गैस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो सूडो इनर्ट का ज्यादा होता है। सूडो इनर्ट में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट लिखो इसको। ये सबको समझ में आया? हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, और हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी, एक्वस के अंदर हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन और हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी के अंदर हम बातें कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या हुआ कि एक तरफ सूडो इनर्ट गैस होगा और एक तरफ इनर्ट गैस होगा, तो किसके पास पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, सूडो इनर्ट के पास। वैसे भी नहीं याद रखना है, एक अल्कली मेटल होगा और एक डी ब्लॉक का होगा, तो अल्कली मेटल ज्यादा आयनिक बनाते हैं, मोर आयनिक। अल्कली मेटल विल फॉर्म मोर आयनिक। चलो लिख लिए होगे,
समझ में आ गया, इस लाइन को हमने इस ऐसे चीज समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है CuCl इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaCl, CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें हमें लर्न करना है। तो अब बिना देखे तुम लोग बताओ, मैं पढ़ रहा हूं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बिना पढ़े देख के बताना है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, सोच के बताओ, रट के नहीं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन होगा, केटाइन के लिए। पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होता है, जब साइज कम होता है। तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सोच के बताना है, होगा ना, क्योंकि पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन है, केटाइन के लिए। और केटाइन के लिए यानी केटाइन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी पोलराइजिंग पावर आते दिमाग में आ जाना चाहिए छोटा साइज। तो लिथियम का साइज छोटा होगा और सीजियम का साइज बड़ा होगा। तो टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर विल बी डिक्रीज, तो लिख लो स्टेटमेंट में, नोटबुक में। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट टू रिमेंबर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप On moving down the group, polarizing power of cation decrease. Polarizing power of cation decrease. अब next point मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग सोच के बताना, याद करके नहीं। In period, polarizing power from left to right. साइज पे जाओ, पोलराइजिंग पावर आते ही साइज दिमाग में आना चाहिए। तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो जब साइज डिक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना साइज छोटा होता है उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पोलराइजिंग पावर दिमाग में आते ही साइज दिमाग में आना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो लिख लो स्टेटमेंट को, इन पीरियड्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबको समझ में आ गया, हमने लेफ्ट टू राइट बात किया पोलराइजिंग पावर का, और टॉप टू बॉटम हमने बात किया किसका, पोलराइजिंग पावर का। अब हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी का। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो मत पहले बताओ। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब मुझे बताओ कि पोलराइजेबिलिटी के लिए साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, कम होगा। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। लिखो कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन साइज से रिलेट करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ पोलराइजेबिलिटी, पढ़ रहा हूं उसके बाद लिखना, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ध्यान दो कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, तो साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी में साइज ज्यादा होना चाहिए और पोलराइजिंग पावर में साइज कम होना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम
लिखो टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर सॉरी पोलराइजेबिलिटी विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी विल बी इंक्रीज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर हमने लेफ्ट टू राइट देखा और टॉप टू बॉटम देखा, पोलराइजिंग पावर हमने लेफ्ट टू राइट देखा और टॉप टू बॉटम देखा। रटना नहीं है, दिमाग में चीजें ध्यान में रखना है, एक भी चीज रटना नहीं है, ये चीज डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, क्यों क्यों ऐसा होगा, उस चीज का हमें लॉजिक चाहिए। तो केटाइन शुड बी स्मॉल, एनाइन शुड बी लार्ज, मोर कोवेलेंट होता है, वहीं से हमारा सब कुछ निकल के आता है। केटाइन छोटा होना है तो लेफ्ट टू राइट, अब साइज से रिलेट करो, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो केटाइन छोटा एनाइन बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी डिसाइड हो रहा है। तो चीजें लिंक करना है, रटना नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इंक्रीज ऑफ पोलराइजेशन ब्रिंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड। ये मीनिंग समझ में आया, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा यानी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, वहां लिख लो इंक्रीज इन पोलराइजेशन मतलब मोर ओवरलैपिंग, इंक्रीज ऑफ पोलराइजेशन ब्रिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस शुड बी लार्जर देन हैलोजन। नहीं ये गलत है, हम इनर्ट गैस के लिए पोलराइजेबिलिटी डिफाइन ही नहीं करते, मतलब वो उसका पोलराइजेबिलिटी नहीं होता। इनर्ट गैस विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन आयनिक बॉन्ड, they have a stable configuration, they are inert, they cannot take participate in reaction, polarizability will be zero of inert gas. Shashank, next jo hai, increase in covalent is indicated, likhna nahi hai kal main pad raha hu, increase in covalent character is indicated by decreasing in melting point of ionic compound. Iska matlab kya hua, जितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, उल्टा पढ़ो, जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर आएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा फजान्स रूल, तो ध्यान सब केवल मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। For a given cation, covalent character increase with increase in size of anion. Statement सही है कि नहीं है? एक covalent character होने के लिए anion को क्या होना पड़ेगा? Large size होना पड़ेगा। और cation should be small. तो for a given cation, covalent character increase with increase in size of anion. गिवन केटाइन का मतलब केटाइन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, केटाइन को कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लेंगे केटाइन को और एनायन का साइज जितना बढ़ेगा उतना ही उसमें कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा। तो यहां एक एग्जांपल लिया है के एफ और के आई। अब के एफ में और के आई में पोटेशियम और पोटेशियम क्या है, कॉमन है। अब फ्लोरीन और आयोडीन डिसाइड करेगा, तो किसका साइज बड़ा है, फ्लोरीन या आयोडीन का, आयोडीन का। आयोडीन में कोवेलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि उसका अट्रैक्ट हो जाएगा ज्यादा। तो लिखा है के एफ इज लेस कोवेलेंट एज कंपेयर टू के आई, यानी के आई में ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, फॉर ए गिवन एनायन, फॉर ए गिवन एनायन मतलब एनायन को फिक्स कर दिया, एनायन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, या तो क्लोरीन ले लिया या तो एनायन, अब केटाइन को चेंज करेगा। कोवेलेंट करेक्टर विल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ केटाइन, तो हम जानते हैं केटाइन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल लिया है एल आई एफ और के एफ में, तो फ्लोरिन और फ्लोरिन क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो बताओ लिथियम का साइज छोटा है या पोटेशियम का साइज छोटा है, लिथियम का है,
तो लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये बार बार चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग चार्ज ऑन आइदर केटाइन और एनायन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, केटाइन पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। और एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। एनायन जितना माइनस लगाओगे उतना ही साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और केटाइन पे जितना चार्ज लगाओगे उतना ही क्या होगा? छोटा। एक कोवेलेंट होने के लिए छोटा केटाइन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों पे हायर चार्ज होना चाहिए। केटाइन पे भी हायर होना है, हायर होने का मतलब साइज क्या हो जाएगा? कम। और एनायन पे हायर होने का मतलब क्या हो जाएगा? साइज ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, SnCl4। SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। ये कैसे हम जानेंगे? अब देखो यहां पर हमारे को लिखा गया है SnCl4। अब यहां पर हम SnCl4 है और SnCl2 है, तो हमें कैसे जानेंगे कि किसका कोवेलेंट ज्यादा है कम है? तो हम यहां पर तीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। तो X क्लोरीन का क्या होगा? -4 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। और यहां तीन क्या हो जाएगा? X -2 इक्वल टू 0। क्लोरीन पे -1 होता है, चार क्लोरीन है तो -4 होगा, और यहाँ क्लोरीन -1 है, दो क्लोरीन है तो -2 होगा। X इक्वल टू हो गया +2। अब यहाँ तीन पे चार्ज कितना है? +2। और तीन पे चार्ज कितना है? +2। और यहाँ कितना है? +4। क्लोरीन तो कॉमन है, अब मुझे बताओ कि किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, किसका साइज लार्ज है इसमें, किसका साइज लार्ज है? केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही साइज क्या होता है? जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा केटाइन पर, एनायन पे बड़ा होता है। लिखवाया था मैंने पिछले क्लास में भी स्टेटमेंट दिया था, केटाइन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, Mg+2, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही साइज डिक्रीज होगा। एनायन पर चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ये चीज दिमाग में रखने का। केटाइन पर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, ये सब दिमाग में रखो। एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ये सब चीजें लिंक करने के लिए काम आते हैं। अब मुझे बताओ इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, अब हमें इसमें चेक करना है कोवेलेंट। कोवेलेंट के लिए हम क्या चेक करेंगे? केटाइन शुड बी स्मॉल। तो बताओ इस दोनों में कौन स्मॉल है, कौन छोटा है? Sn+4 छोटा है ना, तो ये छोटा है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? कोवेलेंट ज्यादा होगा। केटाइन शुड बी स्मॉल देन मोर कोवेलेंट। केटाइन जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, और केटाइन स्मॉल किसमें है? इसमें। केटाइन स्मॉल होगा तो मोर कोवेलेंट होगा। तो ये हमारे दो तीन चीजें हमारे आसपास घूम रहा है, केटाइन शुड बी स्मॉल, एनायन शुड बी लार्ज, केटाइन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी, केटाइन के लिए चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो मोर कोवेलेंट होगा, ये सब चीजें यहीं पर घूम रहा है। चार पांच कंसेप्ट हमारे को घूम रहा है, ये दिमाग में रखना है। ये केवल ऐसे रटने से नहीं होगा, चीजों को हमें डेप्थ में जाके जानना पड़ेगा। हाँ साइज छोटा होगा, केटाइन पे जितना चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो यहां लिखा भी है SnCl4 हैज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है?
कोवेलेंट करेक्टर इज हायर फॉर कंपाउंड विथ केटाइन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अभी अभी आज ही बताया था मैंने, क्या एक NaCl है और एक CuCl है, किसमें कोवेलेंट ज्यादा है? CuCl में। और नॉर्मल हमने याद भी करवाया, एक अल्कली मेटल है और एक डी ब्लॉक में है, तो कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा? इसमें। और आयनिक इसमें ज्यादा होगा। तो ये सूडो इनर्ट गैस है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, और ये क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। तो हमने बोला कि सूडो इनर्ट गैस में कोवेलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। वही स्टेटमेंट ये बोल रहा है, कोवेलेंट करेक्टर इज हायर फॉर कंपाउंड विथ केटाइन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का इसने थोड़ा सा क्या दिया है, उसने जनरलाइज कर दिया है N-1। अब जैसे कॉपर में देखे होगे, कॉपर में ऐसा ही आया था, एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कॉपर प्लस में याद होगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद था 3d0 और यहां था 3d10 और 4s0 था। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया था, तो ये बच गया था 3, तो ये 4 है तो ये क्या है? 3 है। ये 4 है तो ये क्या है? 3 है। तो यहां पर 4 है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 3। तो यहां 3 लिखने के लिए बताओ, यहां पर 3 में इलेक्ट्रॉन कहां कहां है? S में है, 3s2 3p6 और 3d10 है, और यहां 4 है। अब इसके नीचे क्या आएगा? 4 आएगा ना, ये तो कॉपर के नीचे वाला 4 आएगा। तो इसको जनरलाइज करके लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? तो इसको बदले हम क्या लिख देंगे? N-1। अगर हम 4 को N मान ले, इसको N-1 लिखना पड़ेगा, 3 को N-1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने मान लिया N=4 है। तो 3 को क्या लिखना पड़ेगा? N-1। और यहां D है 10, यहां लिख दो N-1 और P कितना है? 6 है। और यहां क्या लिख दो? N-1 और S कितना है? 2। अब हम बार बार N-1 नहीं लिख के क्या लिख दें? N-1 S, ये लिखने का एक तरीका है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P6 और D10। अब मुझे बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो इसको जनरलाइज टर्म में उसने ऐसे लिख के दिया हुआ है, ये मत सोचना कि उसमें क्या लिख दिया हो, इसको राइट डाउन कर लो, ये सब चीजें राइट डाउन करने का, अगर टीचर बोले या ना बोले राइट डाउन करने का, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लिंक हमें करेगा, ये चीजें हमें लिंक करेगा कि हमने क्या लिखा हुआ। ये जो हमारे वॉल्यूम में N-1D ये क्या लिख दिया? यही लिखा है। तो यहाँ पर हम चीजें कॉमन हमने ले लिया और ये लिख दिया, 18 इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है। अच्छा, ये बाद में क्या लिखा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम ही होगा कि N लिखा हुआ है, NH2 और NP6 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, जैसे नियॉन के लिए, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसका है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, या डी ब्लॉक अगर आए और एक एस ब्लॉक आए तो डी ब्लॉक का कोवेलेंट ज्यादा होगा और एस ब्लॉक का कोवेलेंट कम होगा, यानी आयनिक ज्यादा होगा, यानी एस ब्लॉक जो है वो आयनिक ज्यादा बनाते हैं एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। तो 43 पेज नंबर का सारे स्टेटमेंट हो गए, अब आ जाओ पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 44 टर्न करो। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें कितने, उस कंपाउंड में कितने एटम है,
कितने डिफरेंट टाइप के एटम है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप एटम। तो लिख लेना बाइनरी कंपाउंड मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। बाइनरी कंपाउंड पहला ही वर्ड लिखा है बाइनरी, बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब मान लो एक कंपाउंड है ए बी, इसमें कितने डिफरेंट टाइप के एटम है, दो, ए है और बी है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब इस चीज को मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, क्या, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू एटम इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ाया था इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन टू एटम इज लेस देन 1.7 कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। तो ये कंडीशन है, और अगर इक्वल टू 1.7 है तो 50% कोवैलेंट होगा और 50% आयनिक होगा। एक हम एग्जांपल से देखते हैं कैसे, जैसे हमने लिया NaCl या CsCl ले लो, CsCl। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 होता है और सीजियम का होता है 0.7, तो डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा En इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम। क्लोरीन के कितना है 3 और सीजियम के कितना है 0.7, कितना आ जाएगा 2.3। तो बताओ इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हमारे को तीन स्टेटमेंट दिया गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होता है और इसका होता है 3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन का माइनस सीजियम का, इसका 3 है और इसका 0.7, कितना आ गया। अब इस स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 1.7, क्या ये 1.7 से ज्यादा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, लिख लो इसको, ये चीजें सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा लैटिस, लैटिस इंथैल्पी, ठीक है।